हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं फूड कस्टर्ड, जिसके लिए हम लोग को तीन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग दूध चाहिए, आधा लीटर हमने दूध लिया है जो बारीक आंच पर हमने गर्म के लिए रख दिया है, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है और 2 बड़े चम्मच शक्कर है। फिर हम लोग दूध गर्म होने देंगे और दूध गर्म होने के बाकी का प्रोसीजर करेंगे। और फूड कस्टर्ड है इसलिए इसमें फ्रूट्स डलेंगे, तो फ्रूट्स आप अपनी पसंद के जो भी है वो डाल सकते हैं। और अभी मैं अपने जो फ्रूट्स है मेरे पास वो मैं चॉप करती हूँ। ये हमारा दूध गर्म हो गया है, इसमें हम लोग शक्कर डाल देंगे। अभी कहते हैं कि मतलब ये नीचे को लगे नहीं, ये शक्कर नीचे बैठ जाती है तो डर होता है कि वो जल जाएगी, तो इसको थोड़ा सा उसको मिलाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। और रहा कस्टर्ड पाउडर, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लिया और इसको मैंने इसमें मिलाना है, लेकिन पहले तो जोश आएगा उसके बाद। और ऐसा कुछ नहीं, आप दूध है तो उसको दूध में भी करके मिक्स कर सकते हैं, या आपके पास पानी अवेलेबल है तो पानी से मिक्स कर सकते हैं। और फ्रूट्स काटने की बात थी, तो हमने फ्रूट्स काट लिए। मेरे पास 2 फ्रूट्स है, ये है पियर्स और ये है एप्पल, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा फ्रूट्स अवेलेबल नहीं मिल पा रहे, तो ये 2 ही चीज़ मेरे पास फिर वक्त पे थी, तो मैं उसी का बना रही हूँ। और फ्रूट्स अच्छे से बारीक चॉप कर लूँ ताकि बच्चे कस्टमर से फ्रूट अलग नहीं करें, थोड़ी इंतज़ार करें फिर दूर जोश आ जाए। जोश आ गया है, अब हम उसको मिलाएंगे कस्टर्ड। उसको हिलाते रहिए ताकि इसमें लंग्स ना पड़े। ये बॉईल कस्टर्ड, और अब मैं गैस बंद कर, तो उसको से ही लाइन लेके ठंडा हो जाएगी तो पंखे के नीचे रख। ये हमने फ्रूट्स निकाली है बॉल्स में मिक्स करके, और हमने इसमें कस्टर्ड डाले भी गर्म। ये देखिए हमारा फूड कस्टर्ड तैयार है, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ठंडा चीप करके, खाना जो है वो ठंडा करके खाए, जिसको नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना है वो ऐसे भी खा सकते हैं। और आपकी पसंद से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, सब मेरे पास और भी फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है गार्निश करने के लिए, तो मैंने गार्निश नहीं की, लेकिन आप चाहे तो ऊपर से अंगूर है, स्ट्रॉबेरीज है, इन चीज़ों से गार्निश कर सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे बताना कि मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी अच्छी कैसी लगी, और कुछ भी सही गलत जो भी है आप प्लीज़ अपनी कमेंट्स मुझे देना।